there are two kinds of expenses. I want to bifurcate them into direct and indirect. Those expenses which are directly related to production, which if not incurred, production will get affected directly. For example, wages, raw material, carriage inward, etc. Those expenses which are related to production but indirectly which even if not incurred production will not get affected directly. For example, salary, electricity, depreciation, bad debts. One is direct expense, another is indirect expense. Direct expense और indirect expense क्या होते हैं बेटा? जो खर्चा production से directly जुड़ा हुआ है, जो बिल्कुल उसके साथ लगा हुआ है कि अगर ये खर्चा नहीं हुआ तो प्रोडक्शन एकदम से बंद हो जाएगा, उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। एन एक्सपेंस व्हिच इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो प्रोडक्शन एकदम से हॉल्ट पे आ जाएगी, उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। जैसे मजदूर को तनख्वाह मत दीजिए, वो काम पे नहीं आएगा, प्रोडक्शन नहीं होगी, लेकिन एक बड़ा बाबू जो अंदर एसी में बैठा और खाते लिख रहा है, अकाउंट्स लिख रहा है, उसको सैलरी मत दो, प्रोडक्शन नहीं अफेक्ट होगी डायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं होगी, इनडायरेक्टली होगी, मगर डायरेक्ट एकदम से नहीं होगी। आप समझे कि नहीं समझे? देयर आर टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। एक जो मशीनों में पावर चल रही है उसका बिल मत दीजिए, मशीनों की पावर बंद, योर प्रोडक्शन बंद। लेकिन अगर ऑफिस में एसी चल रहा है, उसकी लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, उसका बिजली का बिल मत दीजिए, एकदम से प्रोडक्शन नहीं रुकेगी। तो प्रोडक्शन कुछ खर्चों से डायरेक्टली बंद हो जाती है और कुछ खर्चों से इनडायरेक्टली बंद होती है। तो जिनसे डायरेक्टली बंद हो जाती है, जिनके ना करने से, उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, और जिनके ना करने से डायरेक्टली बंद नहीं होती उन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ काइंड ऑफ एक्सपेंसेस हियर, डायरेक्ट वेजेस, रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड एटसेट्रा। कैरेज इनवर्ड होता है किराया भाड़ा माल अंदर लाने का, कैरेज आउटवर्ड होता है माल बाहर ले जाने का। अगर रॉ मटेरियल अंदर नहीं आया तो प्रोडक्शन होगी नहीं, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। लेकिन अगर माल बाहर नहीं गया तो प्रोडक्शन तो हो चुकी है, दैट्स इनडायरेक्ट। गॉट और नॉट? अगला है हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं, जैसे सैलरी आपने दी बेटा, वेजेस मजदूरों को देते हो, सैलरी व्हाइट कॉलर लोगों को देते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, डेप्रिसिएशन भरी, बैड डेट्स हुआ, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बात ध्यान रखिए बेटा, आप जब अपने अकाउंटिंग पूरी कर लेंगे तब आप फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। फाइनल अकाउंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रॉफिट या फिर लॉस निकालने के लिए, और एक होता है आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज को जानने के लिए। एक प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, एक एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जानने के लिए।
प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए आप दो अकाउंट बनाते हो, एक का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट और एक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसके लिए? अपनी इनकम जानने के लिए, साल के अंत में जानना चाहोगे ना कितना कमाया कितना नहीं, तो उसके लिए जो आप अकाउंट बनाते हो उसके दो अकाउंट हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आप सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालोगे, पी एंड एल अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालोगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डालोगे? सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और पी एंड एल में क्या डालोगे? सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रूल दोनों का वही होता है कि डेबिट ऑल दी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होंगे एक्सपेंसेस, पी एंड एल अकाउंट में भी डेबिट ही होंगे एक्सपेंसेस। जस्ट दैट के ट्रेडिंग के डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे और पी एंड एल के डेबिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग के डेबिट में कौन से खर्चे आएंगे? डायरेक्ट। और पी एंड एल के डेबिट में कौन से खर्चे आएंगे? इनडायरेक्ट। दोनों के डेबिट में ही आएंगे बेटा। रूल वही है नॉमिनल अकाउंट्स वाला, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स। बस फर्क इतना है कि इसमें प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आप सिर्फ डायरेक्ट खर्चे डालते हो, इसमें प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आप इनडायरेक्ट खर्चे डालते हो। इज दैट ओके? गॉट माई पॉइंट और नॉट? जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि हमने वेजेस स्पेंड करी, वेजेस कितने की स्पेंड करी? 10,000 रुपए की। कितने की वेजेस स्पेंड करी बेटा? 10,000 रुपए की वेजेस स्पेंड करी। वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस क्या है बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस है। कहां जाएगा? कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। एंट्री करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। टू, क्या दिया है बेटा आपने? वेजेस अकाउंट। अगर यही आपने सैलरी पे की होती, सैलरी पेड, तो हम एंट्री क्या करते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो यानी जितने भी डायरेक्ट एंट्री है, डायरेक्ट आपके एक्सपेंसेस हैं, उनकी क्लोजिंग एंट्री जो होगी वो ट्रेडिंग अकाउंट से हो सकती है, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनकी क्लोजिंग एंट्री कहां से हो सकती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे कहां जाएंगे? सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, उनकी एंट्री हो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप पहली एंट्री देखिए, आप अपनी आंसर की पहली एंट्री देखेंगे तो यू विल बी एबल टू फिगर आउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जितने भी डी ई और डी आई जाने हैं वो ट्रेडिंग में जाने, ई डेबिट में, आई क्रेडिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेस, टू फ्रेट इनवर्ड, टू सेल्स, सारे चले गए। जितने भी डी आई हैं वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाने हैं मगर क्रेडिट में, उनकी एंट्री होगी डी आई अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आप देखो डीआई की एंट्री देखो, इसकी जरा सेकंड एंट्री देखो, सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखो करा कि नहीं करा बेटा, इसे करा कि नहीं करा? डेबिट में देखो कितनी आइटम्स गई हैं बेटा। डेबिट में गई 99,000 के आइटम, यानी आपके खर्चे हैं 99,000। क्रेडिट में गए आपके 130 के खर्चे, तो बैलेंस कितना हो गया बेटा आपके पास? 130 माइनस 99, 31,000 हो गया। क्या हो गया? 31,000। इसके लिए एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। ट्रेडिंग से आप इसको कहां ट्रांसफर कर दोगे? अगले अकाउंट में, पी एंड एल अकाउंट, 31। अगर ये एंट्री अभी आपको क्लियर नहीं है कोई बात नहीं, अब आप आई डी ई देखिए बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी कहां जाने हैं? पी एंड एल अकाउंट। ये कहां जाने हैं? पी एंड एल अकाउंट। और पी एंड एल अकाउंट के कहां जाने हैं? डेबिट में। तो एंट्री क्या होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू आई डी ई अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर इसकी एंट्री आप देखेंगे अगर बेटे, आपकी मेरे ख्याल से ये एंट्री नंबर है 1, 2, 3, चौथी एंट्री, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, टू कैरेज आउट, टू रेंट, टू इंश्योरेंस, टू डिस्काउंट अलाउड। देख रहे हैं बेटा आप कि नहीं देख रहे? फिर आपके आई डी आई जो है इनडायरेक्ट इनकम, ये पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएंगे।
एंट्री क्या हो जाएगी, आई इनडायरेक्ट इनकम्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। देखो बच्चे, जो बच्चा ये सीख गया कि डी आई डी ई आई डी आई आई डी ई, ये बच्चा जो समझ गया उसके लिए एंट्रियां मुश्किल नहीं है। मुश्किल है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द आइटम्स इनटू डीई डीआई आईडीई आईडीआई। मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, मैंने आपको उसका क्लियर कट बाइफरकेशन समझाया है, आप उसके बाद अपनी समझ जरूर लगाएंगे कि भैया ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। एक्सपेंस इनकम तो समझ आ ही जाता है कि बेटा ये एक्सपेंस है या इनकम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको बाइफरकेशन करना। एक बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बाइफरकेशन हो गया तो आपके पास ये चार एंट्रियां जो मैंने करी हैं ये आप कर लेंगे। भले ही वो प्रॉफिट लॉस वाली एंट्री आपसे नहीं होती, कोई बात नहीं। अब आप प्रॉफिट लॉस अगर निकालना चाहें तो पहली ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाली एंट्री का टोटल है 28,000 रुपए और इनडायरेक्ट इनकम वाली का टोटल है 6,800। तो 28,000 आपका खर्चा है और 6,800 आपकी इनकम है, तो आपके पास ये टोटल हो जाता है 21,200 रुपये। मगर मेरे हिसाब से आप इसको छोड़ दें, इसमें और ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे प्रॉफिट लॉस निकालने में, क्योंकि इसमें इसको भी कंसीडर करना है तो फिर आप कंफ्यूज। तो आप उसको छोड़ दें, यहां तक समझ में आ रहा है आप? इज दैट ओके? क्या ये ठीक है? यस सर। यस सर। ये चार एंट्रियां आप सीख लेंगे, ठीक। उसके बाद आप देखिए एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज कोई बहुत बड़ी एंट्रीज नहीं है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 13 इसमें देखेंगे, पास्ट नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ श्री आर बैनर्जी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 31st March 2020, सैलरी फॉर 10,000 फॉर मार्च 2020 इज आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी ड्यू हो गई है, आप डेबिट करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट। क्या करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्यों सैलरी आउटस्टैंडिंग? सैलरी आपने पे तो करी नहीं है बेटा, आपने सैलरी दी है, सॉरी दी नहीं है, लेकिन आपने पे तो कर, सॉरी ड्यू तो हो गई है। अब ड्यू हो गई है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। फिर इंटरेस्ट अक्रूड, अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट तो क्रेडिट होगा क्योंकि इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है लेकिन कैश नहीं रिसीव। इसको मैं बताता हूँ, इसको इन एंट्रीज को कैसे, ये तो बहुत ही सिंपल काम है। दिस इज अ वेरी 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 सिंपल जॉब, बहुत सिंपल जॉब है। मैं आपको इसको करने का तरीका बताता हूँ, वो तरीका आप ध्यान रखेंगे आपसे गलती नहीं होगी। जैसे बेटा अगर सैलरी पेड हो, शर्मा जी, आयुषी शर्मा, सैलरी पेड की एंट्री क्या करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। लेकिन अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग होगी, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू हो गई मगर पे नहीं हुई, ड्यू हुई है तो डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस के हिसाब से सैलरी अकाउंट डेबिट तो होगा, मगर चूंकि पे नहीं हुआ तो वो एक लायबिलिटी की तरह सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आप याद करो जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन करते थे, सैलरी पेड हो तो भी कैपिटल में से माइनस, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो तब भी कैपिटल में से माइनस। तो यानी सैलरी डेबिट तो होगी ही, इस केस में कैश चला जाएगा, इस केस में कैश ना जाकर आउटस्टैंडिंग। अक्रूड इनकम, अक्रूड, अच्छा इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड की रिया मान क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। और यही इंटरेस्ट अक्रू हो गया, यानी ड्यू तो हो गया लेकिन अभी हमें मिला नहीं है। तो बेटा इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट तो क्रेडिट होगा ही क्योंकि क्रेडिट ऑल द इनकम्स टू इंटरेस्ट अकाउंट, लेकिन कैश नहीं आएगी, कैश की जगह क्या आ जाएगा? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। इज दैट ओके? गॉट इट और नॉट गॉट इट? ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं बेटा, एक बार आप देख लेंगे इनको, दिस विल बी डन।